वहीं दक्षिण अंडमान के विम्बरली, गंजे बंबू, फ्लाइट स्वीटन गंज आदि क्षेत्रों के किसानों ने सुनामी की 11वीं वर्षगांठ पर आज स्टीवर्ट गंज इलाके में अपना विरोध प्रदर्शन किया। जिन किसानों की जमीन सुनामी में डूब गई थी उनको मुआवजे के तौर पर कुछ धनराशि दी गई थी, पर बदले में किसानों से उनकी जमीन ले ली गई थी। अब सुनामी पीड़ित इन किसानों की ये मांग है कि जल्द से जल्द उनकी जमीन उनको लौटा दी जाए और मुआवजे की रकम भी बढ़ा दी जाए। लोगों ने यह आरोप लगाया है कि प्रशासन कई सालों से इस मुद्दे को लेकर चुप है और आज तक सुनामी पीड़ितों को इन किसानों को न्याय नहीं मिल पाया है। चैनल वन न्यूज से बातचीत करते हुए सुनामी पीड़ित किसानों ने अपना विरोध व्यक्त किया और प्रशासन से ये मांग की है कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि सुनामी पीड़ित इन किसानों को उनका हक मिल सके। हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है, बाढ़ आके, सुनामी आके, खेती डूब गई, उसका मुआवजा देके जमीन वापस लेता, वो भी हमको कौड़ी का दाम दिया। आज 200 स्क्वायर मीटर का 8 से 10 लाख का यहाँ में दाम है, 11,000 में 50 फैमिली इससे भाग है, वहाँ में तो लाखों करोड़ों का दाम है, लेकिन हमको मुआवजा देके हमारा जमीन वापस लिया, वो भी बहुत कम, 1 हेक्टर के लिए हमको मिला 9,30,000 रुपया। हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान, काफ़ी कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रोजी रोटी का जो हमारे किसान भाइयों का एक जरिया था, आज वो 11 साल से ऐसी के ही पड़ा है। आज हमारे किसान भाई काफ़ी मायूस है, बहुत उदास है, और हम यही आशा करते हैं कि इसके लिए ये जो लैंड हमारा जो लिया गया है वो वापस दिया जाए और साथ में हमारे लोगों को जो मुआवजा है वो भी बढ़ा के देना चाहिए। हम लोगों को सरकार जो है, प्रशासन जो है, प्रति हेक्टर 9.39 लाख का जो हम लोगों को जो मुआवजा दिया है, वो हमारा हमेशा से ये डिमांड था कि वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि जो आज हमारा जो लैंड वैल्यू है कि यहाँ पे एक 200 स्क्वायर मीटर करीबन 7-8 लाख रुपए में मिलता है, तो करीब हमारे जो किसान का करीबन 1 हेक्टर जमीन को 9,39,000 में यहाँ में हमसे ले लिया गया। और उस वक्त ये कहा गया था, उस वक्त के जो हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो थे, जो चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने खुद यहाँ पे दौरा किया और आके यहाँ में पोर्ट ब्लेयर में ये कहा कि भाई आपका जमीन नहीं लिया जा रहा है, आपको तो सिर्फ ये कंपनसेशन दिया जा रहा है, सारे किसानों को ये कहा गया। वहीं आज दक्षिण अंडमान